गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम शिलेश कुमार द्विवेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, SVNU, सागर। आज हम यहां पर फ्लूइड मैकेनिक्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले यह जानने की कोशिश करते हैं कि फ्लूइड क्या होता है, फ्लो क्या होता है, फ्लूइड फ्लो को डिस्क्राइब करने के लिए कौन कौन सी मेथड्स होती हैं और फ्लूइड फ्लो कितने टाइप का होता है। तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि एक्चुअली में व्हाट इज फ्लूइड, फ्लूइड क्या होता है। तो फ्लूइड इज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस विच हैव टेंडेंसी टू फ्लो। इट मीन्स यदि किसी पदार्थ में बहने का गुण होता है तो हम उसे फ्लूइड कहते हैं। जनरली लिक्विड्स एंड गैसेस फ्लूइड की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि फ्लो क्या होता है। फ्लो किसी पर्टिकुलर टाइम पर किसी पर्टिकुलर सेक्शन से द्रव्य की कितनी मात्रा निकलती है उसे हम फ्लूइड फ्लो कहते हैं। मीन्स फ्लो इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड दैट पासेस थ्रू अ पॉइंट पर यूनिट टाइम। सिंपली फ्लूइड फ्लो को हम डिफाइन कर सकते हैं क्वांटिटी पर यूनिट टाइम। ओके, नेक्स्ट, फ्लूइड फ्लो को डिस्क्राइब करने के लिए कौन कौन सी मेथड्स होती हैं। तो फ्लूइड फ्लो को डिस्क्राइब करने के लिए दो मेथड होती हैं, पहला लैग्रांजियन मेथड और दूसरा यूलेरियन मेथड। अब हमारे दिमाग में आता है कि ये दोनों मेथड्स क्या होती हैं। तो पहले हम समझते हैं लैग्रांजियन मेथड क्या होती है। लैग्रांजियन मेथड में किसी भी फ्लो फील्ड में बहने वाले प्रत्येक पार्टिकल के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाता है। इट मींस यदि हमारा कोई भी फ्लो फील्ड है और इसमें से कोई भी पार्टिकल मूव हो रहा है तो हम उस पार्टिकल की वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और उसकी डेंसिटी को डिफाइन करते हैं। चूँकि फ्लो फील्ड में एक साथ कई पार्टिकल मूव हो रहे होते हैं तो एक साथ कई पार्टिकल की स्टडी करना बहुत ही टफ होती है। इस कमी को दूर करने के लिए आगे चलकर यूलेरियन ने एक मेथड दिया था जिसको हम यूलेरियन मेथड कहते हैं। इस मेथड के अंतर्गत हम एक पर्टिकुलर सेक्शन से डिफरेंट टाइम पे निकलने वाले डिफरेंट पार्टिकल को, जो भी डिफरेंट पार्टिकल वहाँ से मूव हो रहे होते हैं, उन पार्टिकल की बिहेवियर की स्टडी करते हैं। उनके बिहेवियर में हम वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, प्रेशर, डेंसिटी, इन्हीं सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। जनरली यूलेरियन मेथड इज़ कॉमनली यूज्ड इन फ्लूइड मैकेनिक्स। ओके, नाउ अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा फ्लूइड फ्लो कितने टाइप का होता है। सबसे पहला होता है स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो, कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो, रोटेशनल एंड इररोटेशनल फ्लो, एंड लास्ट वन इज 1, 2 and 3 डायमेंशनल फ्लो। तो पहला टाइप का फ्लूइड फ्लो होता है स्टडी फ्लो। स्टडी फ्लो में यदि फ्लूइड की प्रॉपर्टीज टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही होती हैं तो उसे हम स्टडी फ्लो कहते हैं। सपोज दैट, जैसे कि ये हमारे पास एक पाइप है और इस पाइप में हमने दो सेक्शन कट किए। किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर हम लोगों ने देखा कि इस पर्टिकुलर सेक्शन ए पर जो फ्लूइड की वेलोसिटी थी वो थी 4 meters per second, और फिर थोड़ी देर बाद हमने उसी सेक्शन पर फ्लूइड की प्रॉपर्टी को मेज़र किया, तब भी हमारे पास जो वेलोसिटी आई वो आई 4 meters per second। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम के साथ साथ हमारी फ्लूइड की प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो इस तरह का जो फ्लो होता है उसे हम स्टडी फ्लो कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ अनस्टडी फ्लो। यदि फ्लूइड की प्रॉपर्टी में टाइम के साथ चेंज हो जाता है तो हम इसे अनस्टडी फ्लो कहते हैं। जैसे देखिए, इस पर्टिकुलर पाइप पर किसी टाइम टी पर
सेक्शन ए पे वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड थी, लेकिन थोड़ी देर बाद हमने देखा उसी पर्टिकुलर सेक्शन ए पर वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड हो गई है। इसका मतलब यह है कि उस पर्टिकुलर सेक्शन पर आप देखिए वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड से 3 मीटर पर सेकंड हो गई है। इसका मतलब टाइम के साथ साथ जो वेलोसिटी के पैरामीटर थे या जो भी फ्लूड की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो चेंज हो गई है, तो इस तरह के फ्लो को हम लोग अनस्टडी फ्लो कहते हैं। नेक्स्ट वन इज यूनिफॉर्म फ्लो। आप समझते हैं यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है। यदि फ्लूड की प्रॉपर्टी स्पेस के साथ चेंज नहीं हो रही होती है तो उसे हम यूनिफॉर्म फ्लो कहते हैं। कैसे, जैसे ये हमारा एक कोई फ्लोइंग फ्लूड है जो किसी पर्टिकुलर पाइप से फ्लो हो रहा है, किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर सेक्शन ए और सेक्शन बी पर वेलोसिटी 4 मीटर और 4 मीटर थी, किसी दूसरे टाइम पर हमने जब ऑब्जर्व किया अभी भी फ्लूड की जो प्रॉपर्टी है वो 4 मीटर और 4 मीटर है। इट मीन्स सेक्शन टू सेक्शन यदि फ्लूड की प्रॉपर्टी में वेरिएशन नहीं आ रहा है तो हम इसे यूनिफॉर्म फ्लो कहते हैं। नेक्स्ट वन इज सिमिलरली नॉन यूनिफॉर्म इज द अपोजिट ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो। इसका मतलब यह है कि टाइम के साथ साथ यदि उसकी फ्लूड की कैरेक्टरिस्टिक्स में भी चेंजेस आ रहा है तो हम उसे नॉन यूनिफॉर्म फ्लो कहते हैं। नेक्स्ट वन इज लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो ये क्या होते हैं। लेमिनार फ्लो, फ्लो इन विच द फ्लूड पार्टिकल अलोंग वेल डिफाइंड पाथ और स्ट्रीम लाइन। इट मीन्स यदि किसी फ्लो फील्ड में कोई भी फ्लूड पार्टिकल एक वेल डिफाइंड पाथ पर मूव कर रहा होता है अपने स्ट्रीम लाइन के अलोंग तो हम उसे लेमिनार फ्लो कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस फ्लो ऑफ ब्लड इन स्मॉल वेन्स। नेक्स्ट वन इज टर्बुलेंट फ्लो इन विच फ्लूड पार्टिकल मूव्स अलॉन्ग अ वेरी zigzag पाथ। यदि किसी भी फ्लो फील्ड में कोई भी फ्लूड पार्टिकल एक वेल डिफाइंड पाथ पर मूव ना करके एक zigzag पाथ पर मूव करता है तो हम उसे टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। नेक्स्ट वन इज रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। रोटेशनल फ्लो और इरोटेशनल फ्लो क्या होते हैं। फ्लूड इन विच द फ्लूड पार्टिकल फ्लोइंग अलॉन्ग द स्ट्रीम लाइन ऑल्सो रोटेट अबाउट दियर ओन एक्सिस। इसका मतलब यदि कोई किसी भी फ्लो फील्ड में कोई भी फ्लूड पार्टिकल मूव होने के साथ साथ अपनी ओन एक्सिस के अबाउट रोटेट होता हुआ मूव कर रहा होता है तो हम उसे रोटेशनल फ्लो कहते हैं, और यदि कोई भी फ्लूड पार्टिकल अपनी ओन एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं हो रहा है तो हम उसे इरोटेशनल फ्लो कहते हैं। नेक्स्ट वन इज कंप्रेसिबल एंड इनकंप्रेसिबल फ्लो। व्हाट इज दिस कंप्रेसिबल फ्लो। यदि किसी फ्लो फील्ड में जो भी फ्लूड पार्टिकल फ्लो हो रहा है यदि उसकी डेंसिटी पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रही होती है तो हम उसे कंप्रेसिबल फ्लो कहते हैं, और यदि किसी भी फ्लो पर पॉइंट टू पॉइंट डेंसिटी चेंज नहीं हो रही होती है तो हम उसे इनकंप्रेसिबल फ्लो कहते हैं। ओके, लास्ट वन इज वन टू एंड थ्री डायमेंशनल फ्लो। ये क्या होता है। वन डायमेंशनल फ्लो, इन वन डायमेंशनल फ्लो फ्लो पैरामीटर सच एज वेलोसिटी ये टाइम का फंक्शन होती है और किसी एक स्पेस कोऑर्डिनेट का किसी एक कोऑर्डिनेट सेक्शन पर डिपेंड करती है। सपोज दैट जैसे किसी भी नदी पे फ्लो हो रहा है तो वो टाइम के साथ साथ सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, तो इस तरह के फ्लो को हम लोग वन डायमेंशनल फ्लो कहते हैं। नेक्स्ट टू डायमेंशनल फ्लो, इन फ्लो इन विच वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम एंड टू रेक्टेंगुलर स्पेस कोऑर्डिनेट। यदि वेलोसिटी टाइम के साथ साथ दो स्पेस कोऑर्डिनेट का फंक्शन होती है तो हम उसे टू डायमेंशनल फ्लो कहते हैं। लास्ट वन इज थ्री डायमेंशनल फ्लो, फ्लो इन विच द वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम एंड थ्री म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन। मीन्स इसका मतलब ये होता है कि ये वेलोसिटी टाइम के साथ साथ एक्स वाई और जेड तीनों का कॉम्बिनेशन होती है।